हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल क्रेजी टेक में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक होम थिएटर जो कि बजट रेंज में आता है। तो इसका लिए कमेंट आया हुआ था पिछले वीडियो में, तो ये मैंने मंगवा लिया और इसका अब आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या कुछ इसमें मिलता है हमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरे को आज ही फ्लिपकार्ट से डिलीवर्ड हुआ था, तो मैंने सोचा अभी इसका वीडियो इसके सामने ही बना लेते हैं ऑन कैमरा ही। तो अभी तक मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया है, तो फटाफट से चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस प्रकार के बॉक्स में हमें ये मिल जाता है अपना होम थिएटर, और अभी मैं इसे अनबॉक्स कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिपिंग के दौरान कुछ स्क्रैच वगैरह आ गए हैं, तो ये ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अब हम इसके पीछे की ओर देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो दो हमको इनपुट के लिए मिल जाते हैं। ये दो पोर्ट है, उनमें जो ये वाली ऑक्स केबल है ये लगाने के लिए मिल जाते हैं, और ये जो चार आपको आउटपुट के लिए मिल जाते हैं जो कि दो स्पीकर है और दो आप एक्सटर्नली आपके पास अगर कोई है तो लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, और नीचे आपको पावर केबल मिल जाती है जिसमें आपको पिन लगाई हुई मिल जाएगी इंडियन सॉकेट वाली। अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं, तो आगे आपको यहाँ पर वूफर का जो एग्जॉस्ट है वो मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर आपको एक मेन वॉल्यूम कंट्रोलर मिल जाता है जो कि इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए काम आएगा। इसके नीचे आपको एक लाइट मिल जाती है जो कि ऑन होने पर ब्लिंक करेगी, और यहाँ पर आपको एक बेस का जो नोब है वो मिल जाता है जिसे बेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाजू में यहाँ पर आपको ट्रेबल कंट्रोल का नोब मिल जाता है जिसे आप ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपको दो बटन मिल जाते हैं। नीचे वाला बटन आपको मोड चेंज करने के लिए मिल जाएगा, और ऊपर वाला बटन आपको सॉन्ग को प्ले और पॉज करने के लिए मिल जाएगा। और उसके जो दूसरी साइड है वो वाले दो बटन, ऊपर वाले से आप पिछले वाला सॉन्ग निकाल सकते हैं और नीचे वाले से अगला वाला सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिल जाता है चारों ओर, आपको वुडन फिनिश मिल जाएगी और सामने आपको ग्लॉसी प्लास्टिक की फिनिशिंग मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से जो चार गोलाकार फोम लगाए हुए हैं ताकि ये आपके एक जगह पर स्टिक हो जाए, और जब इसको आप बजाएं तो वूफर की वजह से ये हिले डुले ना, तो इसके लिए आपको ये कुछ मिल जाता है। तो चलिए हम इसे फटाफट से ऑन कर लेते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर देखते हैं ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली इसके कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि मैं पहले इसको ब्लूटूथ से ऑन करके दिखाऊंगा, ब्लूटूथ से म्यूज़िक प्ले करके दिखाऊंगा किस प्रकार से ये ऑन होता है। तो मैंने स्पीकर्स इसके लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये फ़ोटो में दिए हुए थे उसी प्रकार से मैंने इसको अटैच कर दिए। अब हम इसको पावर ऑन करके देख लेते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है और क्या कुछ इसमें जो मिल जाता है। तो फाइनली मैं इसमें पावर बोर्ड में प्लग इन करता हूँ, तो ये ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको FM मोड मिल जाएगा, 87.5 पर ये चल रहा है अभी। तो जैसे आप मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा हुआ मिल जाएगा AUH, यानी कि ये आपका ऑक्स मोड है। जब आप ऑक्स पिन लगा कर चलाएँगे तो उस प्रकार ये चलेगा, और फिर से आपको ये ब्लूटूथ मोड पर मिल जाएगा। तो ब्लूटूथ में अभी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से है। तो यहाँ पर 3.0 BT करके इसका जो मॉडल नंबर है वो है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेयर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब सिंपल सा हम म्यूज़िक प्ले करके देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी साउंड क्वालिटी है। तो
तो फ्रेंड्स आपको क्वालिटी सुनाने के लिए मैं सिंपल सा आपको माइक लगा कर दिखा देता हूँ किस प्रकार। रिमिक्स गाने पर इसका साउंड मिल जाता है। तो फटाफट से मैं आपको ऑफ स्पिन लगा करके दिखा देता हूँ। अब हम इनका बेस सुन लेते हैं कि किस प्रकार से आपको बेस मिल जाता है। तो ये अभी जो आप सुन रहे हैं ये ट्रेबल है इसका, और अब मैं इसका बेस ऑन कर रहा हूँ, आप एक बार सुन सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको इसका साउंड क्वालिटी मिल जाता है। मैंने इसको अभी मिड वॉल्यूम पर कर रखा है क्योंकि मैं अभी आपको फुल वॉल्यूम पर नहीं सुना सकता। अगर आप इसका केवल बेस सुनना चाहिए, यानी कि अगर हम इसके जो माइक ये जो दोनों स्पीकर है इनकी पिन काट देते हैं तो आप अब इसका केवल बेस सुन सकते हैं किस प्रकार से आपको बेस मिल जाता है। मैं आपको फुल वॉल्यूम करके दिखा देता हूँ। अभी जो सुन रहे हैं वो आउटडोर में क्वालिटी है, तो रूम के अंदर ये इसको आपको वाइब्रेट करके कुछ अच्छी तरीके से इन्हेंस करके देगा। तो अभी हम आउटडोर के हिसाब से देखें तो इसकी क्वालिटी जो है ऑक्सपिन पर क्वालिटी जो है वो 1500 रुपये के हिसाब से एकदम सही तरीके से आप मान सकते हैं इसे। और जैसे हम इसके जो वो पिंस है वो लगा, ये इसकी फुल वॉल्यूम पर आवाज़ है इसकी, आप एक बार देख सकते हैं। पर आप यहाँ से फुल वॉल्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बटन को आप जैसे दबा कर रखेंगे तो ये आपके वॉल्यूम जो है और अप होने लग जाएगी, जो इसकी सिस्टम वॉल्यूम है वो अप होने लग जाएगी। मैं आपको कम करके दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हैं मैं रिवर्स बटन को प्रेस करके रख रहा हूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गई है। और आप मैनुअल तो यहाँ से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको फुल वॉल्यूम पर सेट कर दिया। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट बटन को प्रेस करके रखूँगा तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग जाएगी, आप देख सकते हैं। इसकी आवाज़ जो है वो आप बहुत लाउड तरीके से मान सकते हैं क्योंकि इसकी आवाज़ जो है 40 वाट तक की आवाज़ है इसकी, और 40 वाट के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि मेरे पास ऐसा इसी प्रकार से कोई दूसरी कंपनी का जो था वो भी 40 वाट का था, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो इससे बहुत कम मान सकते हैं आप, क्योंकि उसकी क्वालिटी इससे कम ही थी और वो थोड़े दिनों में जल भी गया था। तो इसकी क्वालिटी आप सुनकर देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो है जैसे आप आवाज़ को फुल पर करते हैं, नॉर्मली क्या होता है इस प्राइस रेंज में जो भी आपको होम थिएटर्स मिल जाते हैं उनके अगर आप आवाज़ को फुल करते हैं, यानी कि आप यहाँ से बेस को उसका फुल कर दिया, जैसे आप वॉइस को फुल करते हैं तो पीछे से आवाज़ जो है वो फटी फटी सी आने लग जाती है, जैसे ही कुछ लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया होता है उस तरीके से, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है क्योंकि जिस प्राइस में ये आ रहा है ये आपको मिल जाए
सकता है 1500 रुपये की प्राइस में। तो 1500 रुपये की प्राइस के हिसाब से ये आपको वन ऑफ द बेस्ट लग सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।